जंगलों में पाया जाने वाला भेलवा का फल आदिवासियों में विशेष मान्यता प्राप्त है, जिसे सदियों से औषधियों के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस फल से जुड़ी कुछ खास जानकारी। साथ बोकारो के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राजेश पाठक है। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड साइंसेज से MD की पढ़ाई पूरी की है और बीते 19 सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में बोकारो में अपनी सेवा दे रहे हैं। आइए सर से जानते हैं बोकारो के जंगलों में पाया जाने वाला भेलवा फल के औषधीय गुणों की कुछ खास जानकारी। अगर नमन भिलावा के जो वृक्ष हैं, ये भारत में खासकर जो आपका जंगली एरिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। फल और बीज का बहुत ही उपयोग है। खासकर भिलावा जो है वो गुण से काफी गर्म होता है, इसका तासीर काफी गर्म होता है, तो ये बहुत सारे डिजीज में इसका अच्छा रिजल्ट है। ये आपका बीज का तेल निकाला जाता है जो मसल्स रिलैक्स में काम करता है। किसी भी तरह का मसल्स पेन हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अच्छा, ये गर्भवती महिलाओं को भी उस क्षेत्र में खासकर आदिवासी लोग इसका यूज करते हैं, ताकि जो आपका डिलीवरी है वो बहुत इजीली हो जाता है। इसके वृक्ष में काफ़ी गुण पाए जाते हैं। ये जिस घर के आसपास लगाया जाता है उस एरिया में कीटाणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये वृक्ष मतलब लोगों के आसपास में आपको लगा हुआ मिलेगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये शरीर का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ये आपका जो शुक्राणु है मेल इनफर्टिलिटी में शुक्राणु को बढ़ाता है। खासकर ये आपका इंटेस्टाइन वगैरह जो है अमाशय आंत को ये मजबूत करता है। इसमें आपका पेट का जो भी समस्या है वो दूर होता है, इसलिए। और ये खासकर आपका फेफड़ा में इसका बहुत ही बढ़िया रोल है। जिनको सांस की बीमारी है उसका लोग इसको यूज करते हैं। और आपको बाइल सिक्रीशन को भी ठीक करता है, इससे भूख बढ़ाया जाता है, भूख की कमी को दूर होते हैं। और इसका सर सेवन कैसे कर सकते हैं लोग, और सेवन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये चूंकि इसका तासीर गर्म होता है, तो इस पर लेने का विधि खास सर इसका ज्यादा से ज्यादा आपका यूज जो है वो मसल्स पेन में इसका ज्यादा होता है। जो भी पॉइंट आपका ज्वाइंट पेन है, अर्थराइटिस है, वो ज्यादा यूज होता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक पार्ट आपका भिलावा का फल होगा, उसमें आपका 6 भाग जो है वो काजू होगा और 1 भाग आपका शहद होता है। ये तीनों का मिश्रण मिला करके आप 1-1 चम्मच सुबह शाम या सुबह शाम दोपहर रात जैसा आपको पेन है उसके अनुसार आप इसका यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। काम भी है कि जैसे मान लीजिए जो भी आप यूज करते हैं डायरेक्ट, इसको मसल्स यूज नहीं करना होता है, इसलिए जब भी आप इसका यूज करते हैं तो एक बार चिकित्सा परामर्श जरूर ले लें, डॉक्टर से दिखा करके समझ के ही इसका प्रयोग करना है।